भजन लाल के सीएम बनते ही बालकनाथ का आया चौंकाने वाला बयान। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शाम जी से बैठा था। बालकनाथ का बयान सुनकर पूरा राजस्थान हिल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं। बालकनाथ ने बताया आखिर वो क्यों नहीं चुनेंगे राजस्थान के सीएम। राजस्थान के सीएम को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज उन चर्चाओं पर विराम लग गया। जहां एक तरफ राजस्थान के सीएम को लेकर बालकनाथ योगी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बना दिया जाएगा। सबकी नजरें तो थी बालकनाथ पर या फिर वसुंधरा राजे पर, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने भजनलाल को सीएम बनाकर पूरे राजस्थान को चौंका कर रख दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम घोषित हो जाएंगे। अब भजनलाल शर्मा के सीएम बनते ही बालकनाथ का ऐसा बयान आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया, और अब ये बयान पूरे राजस्थान में वायरल हो रहा है। तो आप भी सुनिए बालकनाथ ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में तीन मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बहुत बहुत बहुत, यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है, और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरीके से मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, ए भाई भाई एक मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर कई सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं है, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं, और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का, और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दुर्गामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं, जिनकी बदौलत और जो आज नहीं। तो सुना आपने बालकनाथ किस तरह से भजनलाल शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, भले ही वो सीएम ना बने हो। बालकनाथ ने ये भी साफ कर दिया है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ा काम जरूर करेंगे। तो आप इस